गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा भारतेंदु शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना पर हो रही थी और शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना पर चर्चा के क्रम में हमने भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना की चर्चा की, द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना पर भी हमने ब्रीफ किया था। थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ूं तो द्विवेदी युगीन आलोचना में दो धाराओं की बात हमने की। एक धारा जिसका प्रतिनिधित्व जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी करते, जिसे हिंदी आलोचना की लोकोन्मुखी धारा के रूप में जाना जाता है, और दूसरी धारा जो रीतिवादी धारा है, जिस रीतिवादी धारा का मिश्र बंधु कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन, पद्म सिंह शर्मा ये लोग रिप्रेजेंट करते हुए आते। अगर हम देखें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खुद को पीछे धकेलकर हिंदी को काफी आगे पहुंचा दिया। कहने का तात्पर्य यह कि कहीं ना कहीं जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास दो में से एक चीजों को चुनने की आती है बात, कि वे हिंदी को चुने या खुद को चुने, एक रचनाकार के रूप में अपने विकास को चुने, तो वे खुद पर हिंदी को प्राथमिकता देते हुए आते। और आचार्य द्विवेदी ने हिंदी के विकास में जो महती भूमिका निभाई है, वो महती भूमिका बतौर सरस्वती पत्रिका के संपादक निभाई है। क्योंकि देखें, जब भी संपादन की चर्चा आती है, साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादन की चर्चा आती है, तो 19-20वीं शताब्दी में कुछ नाम ऐसे हैं जिस नाम को बड़े सम्मान के साथ लिया जाता। जैसे 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देखें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाकर के देखें धर्मवीर भारती का नाम, जो धर्मयुग के संपादक थे। अपार्ट इन दोनों के अलावा आप अगर देखें तो बतौर संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी की भी काफी चर्चा होती है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के मतलब संपादक के रूप में दो लोगों ने दहशत पैदा किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और धर्मवीर भारती ने। और कहा जाता है कि बतौर सरस्वती पत्रिका के संपादक, बहुत बड़े साहित्यकार नहीं थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, लेकिन बतौर संपादक उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में जो अहम योगदान दिया है, क्या योगदान दिया और किस रूप में योगदान दिया। तो अगर आप देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि उनके आगमन के पहले आप देखेंगे हिंदी भाषाई संक्रमण की स्थिति में था। जब भारतेंदु युगीन हिंदी भाषा की बात करें तो भारतेंदु युग में आप क्या पाते, भारतेंदु युग में आप पाते हैं कि गद्य के लिए खरी बोली का प्रयोग हो रहा है और काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग पूर्ववत जारी है। कहीं न कहीं गद्य लेखन के लिए ब्रज भाषा को उपयुक्त नहीं माना जा रहा और कविता आदि के लेखन के लिए जो है खरी बोली को उपयुक्त नहीं माना जा रहा, क्योंकि उस समय तक खरी बोली काव्य भाषा के संस्कारों से लैस नहीं हो पाई थी। द्विवेदी युग में आकर अगर भाषाई द्वैध की स्थिति यह समाप्त होती है, द्विवेदी युग में आकर अगर खरी बोली को गद्य के साथ साथ पद्य भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है, द्विवेदी युग में आकर खरी बोली को साहित्यिक स्वीकार्यता मिलती है, तो इसमें बतौर सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो भूमिका है
वह भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक है, क्योंकि उन्होंने बतौर सरस्वती पत्रिका के संपादक साहित्य की भाषा को आम बोलचाल के की भाषा के करीब लाने की कोशिश की, आम बोलचाल की भाषा के निकट लाने का प्रयास किया, और खड़ी बोली में रचना के लिए अपने दौर के रचनाकारों को उन्होंने प्रेरित किया, अपने दौर के रचनाकारों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो एक तो महत्वपूर्ण योगदान हिंदी भाषा के संदर्भ में है, और हिंदी भाषा की केवल साहित्यिक स्वीकृति ही नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो जिसे आप हिंदी के रूप में जानते दरअसल वो मानक हिंदी है, क्योंकि हिंदी कोई एक भाषा नहीं है, हिंदी क्या है, समुच्चय भाषा ही, जिसके अंतर्गत हिंदी क्षेत्र की 18 बोलियां आती हैं। तो हिंदी क्षेत्र की जो ये 18 बोलियां हैं उन्हें ही समेकित रूप में क्या कहा जाता, हिंदी कहा जाता है, नहीं? लेकिन आज जिसे हम हिंदी के रूप में जानते दरअसल वो मानक हिंदी है, मानक हिंदी जिसने जिसको 20वीं शताब्दी के आरंभ में, 20वीं शताब्दी के आरंभ में किस रूप में विकसित किया गया, खड़ी बोली को आधार भाषा के रूप में अपनाते हुए विकसित किया गया, और खड़ी बोली को आधार भाषा बनाकर मानक हिंदी का जो रूप उभर कर सामने आता है उसे ही आज हम हिंदी के रूप में जानते हैं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम यह कह सकते कि हिंदी भाषा के मानक स्वरूप को स्थिर करने में भी बतौर सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका क्या रही है, महत्वपूर्ण और निर्णायक रही है। अगर आप गौर करें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखें तो यूपीपीएससी में महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपादन कला पर प्रश्न उठा करके पूछा गया है, और अगर मैं मिस नहीं कर रहा हूं, अगर मैं मिस नहीं कर रहा तो सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर प्रश्न पूछा गया है। इसलिए क्या कंट्रीब्यूशन इनका है, किन रूपों में कंट्रीब्यूशन है, तो पहला डायमेंशन हिंदी भाषा और साहित्य के विकास की दशा एवं दिशा को निर्धारित करना। दूसरी बात, हिंदी हिंदी साहित्य को
आम बोलचाल की भाषा के निकट आना। और इस क्रम में देखा जाए हिंदी साहित्य में खड़ी बोली की व्यापक स्वीकार्यता को सुनिश्चित करना। गद्य एवं पद्य भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाना। और इस क्रम में कहें तो हिंदी साहित्य को ये भाषाई संक्रमण की अवस्था से बाहर निकालते। दूसरा कंट्रीब्यूशन जो इनका है वह हिंदी भाषा के मानक स्वरूप को स्थिर करने हिंदी भाषा के मानक स्वरूप को स्थिर करने और इसे प्रचारित प्रसारित करने नहीं। तीसरी बात अगर कहूं तो इन्होंने क्या किया, तो तीसरा काम जो इन्होंने किया है वह है हिंदी साहित्य में नए भावों और नई संवेदना को जगा। इसे प्रोत्साहन। और इसे दो रूपों में देखने की कोशिश करें। किन रूपों में देखने की कोशिश करें? हीरा डोम की कविता को सरस्वती पत्रिका में जगह। जो दलित चेतना पर आधारित पहली रचना मानी जाती है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हीरा डोम की जो कविता है उसी से दलित विमर्श की शुरुआत मानी जाती है। और इस कविता का प्रकाशन
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में किया था, नहीं? और दूसरी चीज जो यहां पर दिखाई पड़ती है, द्विवेदी जी का एक चर्चित निबंध था और उस चर्चित निबंध का नाम क्या है? उर्मिला विषयक उदासीनता। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के जरिए उन्होंने जो भारतीय महाकाव्यों की परंपरा रही है और भारतीय महाकवि रहे हैं उनके द्वारा जिन चरित्रों के साथ न्याय नहीं किया गया है उन चरित्रों में एक है कौन? उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी, नहीं? क्योंकि वनवास तो राम को मिला था, वनवास लक्ष्मण को मिला था, नहीं? तो यह बात समझ में आती है कि राम को वनवास मिला, सीता राम के साथ गए, नहीं? लेकिन सवाल यह उठता कि सही मायने में देखें तो राम सीता और लक्ष्मण एक छोटा सा परिवार वहां पर है, नहीं? लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की स्थिति को देखें, जिनको कोई सजा नहीं मिली, जिसकी जिसके त्याग की कहीं पर चर्चा नहीं होती, लेकिन उस उर्मिला की पीड़ा को समझें। तो ऐसा माना जाता है कि इनकी इनका निबंध जो उर्मिला विषय उदासीनता था, तो इसी निबंध से प्रेरित होकर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने जो है कई रचनाएं की हैं। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने साकेत की रचना की। तो साकेत की मूल संकल्पना को देखें, बाद में वो संकल्पना बदलती है। तो साकेत की मूल संकल्पना थी कि उर्मिला को केंद्र में रखते हुए आज मैथिली शरण गुप्त प्रबंध काव्य की रचना करना चाहते थे। बाद में देखेंगे कि राम केंद्र में आ जाते, लेकिन अभी भी साकेत के दो सर्ग जो हैं उर्मिला पर केंद्रित है और उर्मिला के चरित्र और व्यक्तित्व के, उर्मिला की मन स्थिति के विविध पहलुओं को उद्घाटित करते हुए आते। अपार्ट फ्रॉम दैट जाकर के देखें, गौतम बुद्ध, यशोधरा, नहीं? तो बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का, महाभिनिष्क्रमण का मतलब समझते होंगे, नहीं? बुद्ध ने जो है बुद्ध का घर छोड़कर जाना, नहीं? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना। तो बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का यशोधरा पर क्या प्रभाव पड़ा और उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, इस पृष्ठभूमि में यशोधरा खंड काव्य के जरिए वे यशोधरा की मन स्थिति को उद्घाटित करते हुए आते। तो यहां पर भी देखें, एक और उर्मिला को केंद्र में लाना, उर्मिला की मन स्थिति का उद्घाटन, दूसरी ओर आप जाकर के यशोधरा को केंद्र में लाना और यशोधरा की मन स्थिति का उद्घाटन, तीसरा गुप्त जी जयद्रथ वध की रचना करते, और जयद्रथ वध में अगर आप देखें तो वहां पर जयद्रथ को केंद्र में ला करके तो एक परिपाटी से शुरू होती दिखाई पड़ती। और आगे चल करके देखें, दिनकर ने प्रणभंग की भी रचना की है और दिनकर ने आगे चल करके किसकी रचना की, रश्मि रथी की रचना की, और रश्मि रथी में दिनकर ने कर्ण को केंद्र में रखा, कर्ण को नायकत्व प्रदान किया। तो अगर इस पृष्ठभूमि में देखें तो हमें गुप्त जी को क्या करना होगा, हमें गुप्त जी को सॉरी हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी को इस बात का श्रेय देना होगा कि उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास की दशा और दिशा को भाषिक धरातल पर ही नहीं प्रभावित किया, बल्कि भाषिक धरातल के साथ साथ क्या किया, भाव और संवेदना के धरातल पर भी उन्होंने इसे प्रभावित करने की कोशिश की। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप जाकर के देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो है इस बात का भी श्रेय जाता कि उन्होंने रीतिवादी नजरिए का निषेध करते हुए
उन्होंने रीतिवादी नजरिए का निषेध करते हुए क्या किया? जनोन्मुखी मानवतावादी दृष्टि को साहित्य के केंद्र में लाकर स्थापित किया। आप अगर देखें वो लिखते हैं, आश्रय मिलने की देरी राजा जी को सब प्रकार की नायिकाओं के रसास्वादन का आनंद चखाने में कवि जी को देरी नहीं। शब्द पर गौर करें, आश्रय मिलने की देरी राजा जी को सब प्रकार की नायिकाओं के रसास्वादन का आनंद चखाने में कवि जी को देरी नहीं। मतलब यह कि रीतिकालीन दौर में दरबारों में रहकर, दरबारी संरक्षण में रहकर जो कविताएं लिखी जा रही थी, उन कविता का एक ही उद्देश्य था, येन केन प्रकारेन अपने संरक्षक सामंत शासकों को खुश करना, उनका रसास्वादन, उसके एवज में अर्थोपार्जन। पूरी की पूरी कविता इसी से गाइडेड वहां होती हुई आती। और आप अगर देखें, कल जब भारतेंदु युग की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा था, तो भारतेंदु युग की चर्चा करते हुए हमने भारतेंदु के नाटक नामक निबंध की चर्चा की। भारतेंदु युग की चर्चा करते हुए हमने बालकृष्ण भट्ट के साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है की चर्चा की। तो चाहे भारतेंदु नाटक नामक नाटक निबंध लिख रहे होते या बालकृष्ण भट्ट साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास लिख रहे होते, उसके पीछे मूल प्रेरणा क्या है? उसके पीछे मूल प्रेरणा है कि कैसे हिंदी साहित्य को दरबारी संस्कृति के दबाव से बाहर निकालते हुए व्यापक समाज से जोड़ा जा सके, समाज की ओर उसे उन्मुख किया जा सके। और आगे चल करके देखें कि यही चीजें आचार्य शुक्ल के यहां दिखाई पड़ती। आचार्य शुक्ल क्या कहते? आचार्य शुक्ल कहते कि हिंदी के रीति कवि तो राजाओं और महाराजाओं को उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। एक प्रकार के कविराज जहां रईसों के मुख में मकर ध्वज रस झोंकते थे, वहीं दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकर ध्वज की पिचकारी डालते थे। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना होगा कि आचार्य शुक्ल जब हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि साहित्य जनसमूह, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तो यह अचानक लिखना नहीं होता है। इस लिखने की पृष्ठभूमि अगर देखें तो पहले से तैयार हो रही। इस लिखने की पृष्ठभूमि को भारतेंदु के नाटक नामक निबंध में तैयार होते देखा जा सकता। इस लिखने की पृष्ठभूमि को बालकृष्ण भट्ट के साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध में तैयार होते देखा जा सकता। इस लिखने की पृष्ठभूमि को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के यहां देखा जा सकता, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की लोकोन्मुखी आलोचना की जो धारा है, बाय फोर्स उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं न कहीं हिंदी आलोचना की जो रीतिवादी धारा थी, उस रीतिवादी धारा को बैकफुट पर धकेलने में महावीर प्रसाद द्विवेदी की बतौर सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हैं, वो अहम और निर्णायक भूमिका रही। अब अगर हम देखें क्या मायने रखता, अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी के
भाषा विषय एक दृष्टि की बात करें तो अगर देखें भाषा के संदर्भ में आलोचना के मानदंडों का निर्धारण करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और यह बात भी ध्यान रखेंगे ये चीजें अचानक नहीं होती हैं। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लेखन शुरू किया तो उन्होंने आरंभ में दो पुस्तकें लिखी, तरुणोपदेश और सुहागरात। नहीं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा तरुणोपदेश और सुहागरात लिखा जाना जो है वह इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी पर भी रीतिवादी मानसिकता का दबाव था, आरंभ में हुए रीतिवादी मानसिकता से प्रभावित हुए। लेकिन लेकिन उनकी अंतश्चेतना जो थी वो रीतिवादी नहीं थी, और चूंकि अंतश्चेतना उनकी रीतिवादी नहीं थी इसलिए तरुणोपदेश और सुहागरात जो उन्होंने लिखा, लिख तो लिया लेकिन उसको प्रकाशित करवाने की हिम्मत नहीं पड़ी। वो दोनों पुस्तकों, उन दोनों पुस्तकों की पांडुलिपियां जो है वो संदूक के बक्से में, संदूक में जो है बंद की बंद ही रह गई, लज्जावश वो कभी उसको निकालकर छपवाने की का साहस नहीं दिखा पाए। अब अगर देखें तो मैंने कहा कि भाषा के संदर्भ में ये आलोचना के मानदंड को निर्धारित करते हुए आते, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनके लिए महत्वपूर्ण क्या है, ये जो है भाषा की सहजता एवं स्वाभाविकता की हिमायत करते, बोधगम्यता संप्रेषणीयता अर्थ सौरश अर्थात अर्थबोधकता इसकी हिमायत करते हुए आते हैं। और इसी के कारण अगर आप देखें तो ये आम जनता की टकसाल से निकली भाषा, निकले व्याकरण निकले कोश की हिमायत करते, नहीं? अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाव और संवेदना के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इनका जोर किस पर है, भाव और संवेदना के धरातल पर ये साहित्य की समकालीनता की बात करते हुए आते। नहीं, अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये साहित्य और जनता
के अंतर संबंध की हिमायत करते। और इसी के कारण अगर आप देखें तो ये भी नाटक की रंगमंचीयता की हिमायत करते। नाटक की रंगमंचीयता के पक्षधर हैं। बातें स्पष्ट हुई? तो ये ओवरऑल जो है आलोचक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो हैं वो विविध पक्ष हैं, और इन्हीं पक्षों के संदर्भ में इसे देखा जाना चाहिए। क्लियर? बढ़े आगे। ये तो द्विवेदी युग की हिंदी आलोचना की लोकोन्मुखी धारा हो गई। द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना की दूसरी धारा जो है रीतिवादी धारा है, और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना की रीतिवादी धारा को अगर आप देखें ये जो रीतिवादी धारा है, इस रीतिवादी धारा के अपने विरोधाभास, इस रीतिवादी धारा के अपने अंतर विरोध हैं। इसके अपने विरोधाभास हैं, इसके अपने अंतर विरोध हैं। नहीं, एक और अगर आप देखें तो यहां पर आप पाएंगे एक और रीतिवादी मानसिकता है, एक और आपको रीतिवादी सोच है, एक और जो है रीतिवादी परंपरा है। दूसरी ओर अगर आप जाकर के देखें तो दूसरी ओर प्रगतिशील चेतना भी है। और यह जो प्रगतिशील चेतना है, इस प्रगतिशील चेतना का उत्स क्या है, उद्गम क्या है, स्रोत क्या है, तो इस प्रगतिशील चेतना के स्रोत को देखें तो वह है अंग्रेजी साहित्य से संपर्क, पाश्चात्य प्रभाव। और अगर इसके परिप्रेक्ष्य में आप जाकर के देखें, इसी ने क्या किया,
तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किया। तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात इसी के कारण होता है, उसी पश्चिम के प्रभाव में नहीं, और उसी पश्चिम के प्रभाव में अगर आप देखें तो चरित्रों को भी महत्व मिलता है। उसी प्रभाव के कारण आप चरित्रों को भी महत्व मिलते देख सकते हैं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो एक और चीज की चर्चा करूंगा, वह क्या है। कहीं कहीं अगर आप जाकर के देखें राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय अस्मिता बोध की झलक भी यहां दिखाई पड़ेगी। नहीं, लेकिन उस राष्ट्रीय अस्मिता बोध पर भी किसका दबाव दिखाई पड़ेगा, उस राष्ट्रीय अस्मिता बोध पर रीतिवादी मानसिकता का दबाव दिखाई पड़ेगा। उस राष्ट्रीय अस्मिता बोध पर अगर आप देखें तो रीतिवादी मानसिकता का दबाव दिखाई पड़ेगा। बेसिकली देखें, मिश्र बंधुओं को देखें तो मिश्र बंधु जो हैं वो अंग्रेजी साहित्य के गंभीर पाठक हैं, और चूंकि वे अंग्रेजी साहित्य से उनका जुड़ाव है इसलिए स्वाभाविक तौर पर वो पाश्चात्य आलोचना पद्धति से भी क्या है, परिचित हैं। नहीं, और इसी के कारण देखेंगे कि इनके यहां एक और प्रगतिशील अंतर्दृष्टि भी दिखती है, लेकिन रुचि स्वाद और संस्कार से ये जो है वो कहीं न कहीं